सुनो चंदा से शुरू हुआ रमजान का किस्सा। रमजान में आने वाले ड्रामे जिन्होंने छोड़ दी है अपनी एक अलग ही छाप, जिसको ऑडियंस बेहद पसंद करती है। ऑडियंस को रमजान के ड्रामा सुनो चंदा 1, उसके बाद सुनो चंदा का दूसरा सीजन लगाया गया। दूसरे सीजन के बाद हमने लॉन्च किया चुपके चुपके और ताना बाना, वहीं जियो पर लगाया गया इश्क जलेबी, तो उसके बाद हमने लगाया परिस्तान और हम तुम, तो वहीं जियो पर आया चौधरी एंड सन्स। ये वो तमाम ड्रामे हैं जिन्होंने अपनी एक अलग ही छाप ऑडियंस के दिलों पर छोड़ी है। साल भर के तमाम बोर ड्रामों से ऑडियंस तंग आकर लाइट हार्टेड और कॉमेडीज ड्रामा देखना पसंद करती है। तो इसी दफा जियो टीवी ने 2 रमजान प्ले निकालने का फैसला किया है। लास्ट टाइम चौधरी एंड सन्स में नजर आए थे इमरान अशरफ और आयजा खान, जिनको ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। इस साल भी आ रहे हैं। पहले रमजान शो में भी इमरान अशरफ, जिसके साथ अमार खान नजर आने वाली हैं। ये ड्रामा खुद अमार खान ने लिखा है। ये दोनों ही एक्टर हमें दम मस्तम में देखने को भी मिले थे। इमरान अशरफ ने रक्से बिस्मिल में भी काम किया और भोले के किरदार से तो घर घर में अपनी पहचान बना ली। वहीं अमार खान ने दम मस्तम के साथ रिसेंटली खत्म हुआ ड्रामा सैयद जिब्रान और मोमेन शेख के साथ दराड़ में काम किया। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये जोड़ी कैसी लगती है और आप क्या इनका रमजान प्ले देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। वहीं पर दूसरा जियो टीवी का रमजान प्ले है, जिसमें आपको नजर आने वाले हैं मुनीब भट्ट और कोमल मीर। ये दोनों ही एक्टर आपको जियो टीवी के रिसेंटली ड्रामा कलंदर में नजर आ रहे हैं। ऑडियंस इनकी जोड़ी को खूब पसंद कर रही है। कलंदर ड्रामा भी अक्सर ही लोगों की जुबानों पर होता है, लेकिन ये एक सीरियस लव स्टोरी है। वहीं पर ये ड्रामा लाइट हार्टेड और कॉमेडी प्ले होने वाला है, जो रमजान में लगाया जाएगा। ये ड्रामा ऑडियंस देखने के लिए खूब एक्साइटेड है, क्योंकि कलंदर में तो इनकी स्टोरी कुछ और ही चल रही है और इसमें ये दोनों ही एक्टर अपनी कौन सी नई छाप लोगों को दिलों पे छोड़ेंगे, कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। अब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ये ड्रामा भी देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। ये थे वो 2 ड्रामे जो जियो पर इस दफा दस्तक देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीवी का तड़का।